देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ कर ली। शाम को पानीपत में संजय चौक स्थित इमाम साहब में मुस्लिम समाज के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे का लड्डुओं से मुंह मीठा करवाया और इसकी बधाई दी। ढोल बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मुस्लिम समाज के प्रधान पप्पू ने बताया कि अब मुस्लिम समाज जाग चुका है, किसी के बहकावे में नहीं आएगा और देश हित में जो कार्य पार्टी करेगी उसी के साथ चलेगा। वहीं दूसरी ओर युवा मुस्लिम नेता टीटू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया है और एक अलग पहचान दिलाई है, जिससे आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और हम सिर उठाकर चलते हैं। इस अवसर पर पप्पू प्रधान, हाजी नफीस, हाजी साधु, हाजी निसार, सीवेज, बाबू प्रधान, हसीन, टीटू, सोहिल राजा, शौकीन, महरोज मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हमारे प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने शपथ ली है और हमारे संजय भाटे जी ने शपथ ली है और हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमारे संजय भाटे जी मंत्री बने हैं और हमें बड़ी खुशी की बात है कि दोबारा सरकार आई हो और दोबारा फिर ऊपर वाले को सरकार को लेगा हुए, ठीक है जी। सबसे अच्छी बात है कि काम अच्छा कर रही है सरकार, गलत काम नहीं कर रही, बहुत अच्छा, सबका साथ सबका विकास, बढ़िया काम कर रही है, सबका विश्वास। तो क्या खास है जो आप मुस्लिम समाज वाले भी इनका उत्सव मनाए जा रहे हैं? ये अपना आज मोदी जी हमारे शपथ लिए दोबारा से, मोदी जी खुशी में कर रहे हैं, खुशी की लहरें बहुत ज्यादा है और इसलिए लड्डू बांट रहे हम खुशी में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है और वह हर जगह जहाँ भी जाते हैं सबको साथ में लेके चलते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू जी। हम नरेंद्र मोदी के साथ में मोहल्ला इमाम साहब पानीपत से हैं, ठीक है। मोदी जी शपथ मिली है, हमारे संजय भाटे शपथ मिली है और आज में इंशाल्लाह मंत्री बन के आ रहे हैं, ठीक है। हमें बहुत बड़ी खुशी है इस बात की, हट के फिर भी हम तो कहते हैं 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी नरेंद्र मोदी के साथ। रहने वालों अनिल पहलवान। हाँ जी, हाँ जी, बड़ी खुशी है, हमारे मंत्री जी बन के आ रहे हैं, संजय भाटिया जी और नरेंद्र मोदी जी, हमेशा के लिए ऐसा प्रधानमंत्री की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका और उसके साथ में विश्वास, विश्वास के साथ में हमने यहाँ पे वोट दिया है, बहुत भारी वोट जीता के भेजा है और प्रधानमंत्री जी ने हमें इस बात का वो भी दे दिया, हमारे उसको संजय भाटे जी को मंत्री जी बना दिया और शिक्षा मंत्री, तो हमें बड़ी खुशी ऐसे है कि हमने शपथ ली। आप इस देश को मोदी के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं क्या? मैं कहना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं और हम यही चाहते हैं आने वाले टाइम 50 साल भी यही प्रधानमंत्री रहे और इस देश को बहुत अच्छी तरह लेके चल ले। ये लोग कांग्रेस वाले ये कहते हैं मुसलमान लोगों वोट हमें दो नहीं तो मोदी जी तुम्हें पाकिस्तान भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं, हमारे दिल में डर डालते हैं लोग, पर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और संजय भाटे जी भी हमारे पानीपत के MP और इनको पद दिया है मंत्री का, बहुत अच्छा है और बहुत खुशी की लहर है और हम ये कहते हैं इनको मंत्री पद मिलाइए, सब भाई को सब साथ में लेकर चले
और इंशाल्लाह हमारी दुआएं को और भी कोई पद मिलना चाहिए और बहुत खुशी की लहर है। मुस्लिम समाज के युवा नेता भी हैं, कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं मुस्लिम समाज के जो नेता है ना वो ये कहते हैं 95% कांग्रेस को वोट दो, वे लोग कहके ना पीछे हट जाते हैं और अब उसमें झगड़ा कराते हैं, पर मोदी जी ऐसा कुछ भी नहीं कराते, कितने इस सरकार में मुसलमान को मारते हैं कुछ नहीं, ये सरकार बहुत अच्छी है, हम यही चाहते हैं आने वाले टाइम में भी 50 साल यही सरकार रहे और इस देश में कांग्रेस ने आज तक कोई काम नहीं करा, पर अब इस सरकार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं ये काम सबका साथ सबका विकास और विश्वास। क्या नाम आपका? मेरा नाम फैसल है, संजय चौक जाकर बाबू प्रधान हूँ और हमने आज यहाँ संजय भाटिया जी जो शपथ ले रहे हैं उनके लिए हमने विशेषकर ढोल मंगवाए हैं और जो है लड्डू बांटे हैं। हमारे को खुशी है कि संजय भाटिया जी मंत्री बन गए हैं और उन्होंने बहुत काफी मतों से हमने उनको जितवाया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है हर वर्ग की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी ने आज शपथ ली है और 10 साल के लिए 5 साल के लिए दोबारा मोदी जी फिर आ चुके हैं और हमारे को बहुत खुशी है, मोदी जी के राज में हम बहुत सुख है। ठीक नजर आ रहे हैं तो क्या आपका क्या कहना है इसमें? ये जी पूरे पानीपत की दुआ थी कि हमारे संजय भाटिया जी मंत्री बन गए हैं और हमारे पानीपत की दुआ कबूल भी हुई है और मुस्लिम भाइयों ने बहुत दुआ की इसके बारे में और उनकी दुआ भी कबूल है। जैसे मेरे चाचा पप्पू मक्के मदीने में जाके इनके वास्ते दुआ मांग रहे थे, माशाल्लाह उनकी भी दुआ कबूल हुई है और पूरे पानीपत ने चीज की दुआ मांगी है कि हमारे संजय भाटिया जी मंत्री बन गए और बहुत बहुत अल्लाह ने हमारी दुआ सुनी है और हमारे संजय भाटिया जी। अब नजदीकी विधानसभा चुनाव है, उसमें विधायक को आप कौन से रूप में देखना चाहते हैं? हम अपने विधायक रोहिता रेड्डी जी को मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, पिछली बार भी वे 80,000 करीब वोटों से जीत के गई थी और अब के भी इतने वोटों से प्लस हो जाएगी, लाखों वोटों से जीत के जाएगी इंशाल्लाह और हम चाहते हैं कि उनको भी मंत्री के रूप में हमें पेश करें।